ओम शांति। तो सब शांत स्वरूप में स्थित होकर बैठना और शांत मन से सुनना, क्योंकि जो भी हम सुनते जाएं अंदर धारण होता जाए, क्योंकि जितना धारण होता जाएगा उतना हमारा मूल्य बढ़ता जाएगा। श्रेष्ठ कर्म से 21 जन्मों की क्या बनती है? प्रारब्ध बनते हैं। एक जन्म का कर्म और प्रारब्ध कितने जन्मों की है? 21 जन्मों की है। ऐसी प्रारब्ध कभी सुनी थी? भाई एक जन्म का हमने किया था तो एक जन्म की प्राप्ति थी दूसरे जन्म में, लेकिन यहां बेहद का बाप मिला है ना, तो प्राप्ति भी कैसी है? बेहद की प्राप्ति है। तो बेहद की प्राप्ति के लिए हमें डीप में जाना है, सागर की गहराई में जाना है। जितना जितना हम इस सागर, ये ज्ञान सागर बाबा है जो ज्ञान के हीरे मोती पन्ने हमें क्या कर रहा, दे रहा है, जितना उसकी डीप में जाएंगे उतना सुंदर सुंदर क्या होंगे, सुंदर सुंदर हीरे मोती निकलेंगे। आप लोगों ने सागर अगर देखा होगा तो सागर में भी इसकी खेती होती है। हमने तो नहीं सुना था कि सागर में भी खेती होती, पर देखा आंखों से। सागर में गई तो काफी गहराई में, जो स्टीमर वाले होते हैं ना, दूसरी बोट में बिठा के अंडमान में जब गई तो वह नीचे लेके गए और आंखों में कुछ डाल देते ताकि नीचे का सब दिखे, हीरा पन्ना मोती उसकी क्या हो रही थी, खेती सागर के नीचे, वही असली माने जाते हैं। आज तो बहुत आर्टिफिशियल निकल गए है ना, तो नीचे इतनी गहरी खेती हो रही थी गहराई पे कि देख के ही रह गए। तो ऐसे ही ज्ञान सागर बाबा इस समय जो हम बच्चों को ये ज्ञान के श्रेष्ठ हीरे मोती क्यों दे रहा है, इस पर भी विचार करना चाहिए कि हमारी जीवन को हीरे तुल्य बनाने के लिए दे रहा है, ताकि हमारी जीवन कौड़ी से कैसी बन सके, हीरा बन सके।